नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे करें भगवान शिव को प्रसन्न। देवों के देव महादेव अर्थात भगवान शिव, जिनकी पूजा देवता, राक्षस, प्रेत आदि सभी करते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो शिव की भक्ति नहीं करता हो। किसी न किसी माध्यम से वो देवों के देव महादेव की भक्ति जरूर करता है। त्रिदेवों में से एक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। महादेव को बस सच्चे मन से पुकारने मात्र से ही वह अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखते हैं, तथा शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इनके लिए किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं है, तथा सोमवार भगवान शंकर का दिन होता है। सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। त्रिदेवों में से एक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है। सोमवार के दिन व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। सोमवार व्रत में सिर्फ एक समय ही भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, यानी शाम तक यह व्रत रखा जाता है। पूजा विधि: प्रातःकाल जल्दी उठ के स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं। विधिवत बेलपत्र, दूध, गंगाजल, पुष्प, धूप, घास, मिष्ठान, चावल आदि सूर्य उदय के बाद शिवलिंग पर ये सभी विधिवत अर्पित करें। गाय के देसी घी से एक दीपक जलाएं। पीले कनेर के पुष्प व माला शिवलिंग पर अर्पित करें। केसर से बनी चावल की खीर से भगवान शिव को भोग लगाएं। ये सब करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।